रीवा में युवक की हत्या से तनाव, आरोपियों ने लाठी डंडों से पीटा, परिजन सौ लेकर थाने पहुंचे, 2 घंटे की समझाइश के बाद मारे। रीवा जिले के मऊगंज कस्बे में लाठी डंडों से पीट पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। चर्चा है कि देर रात 2 पक्षों में विवाद हुआ। मारपीट के बाद एक युवक को परिजन गंभीर हालत में मऊगंज सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां बुधवार की सुबह युवक ने दम तोड़ दिया। निशंस हत्या की सूचना के बाद भारी संख्या में नगरवासी अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने लाश को थाने में रखकर प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों की मांग है कि तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, तभी थाने से लाश उठेगी। तनाव को देखते हुए आसपास के थानों का भारी संख्या में पुलिस बल मऊगंज थाने पहुंचा, जहां वरिष्ठ अधिकारियों ने परिजनों को समझाइश देकर विधि अनुसार कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करवाया। मऊगंज SDPO नवीन तिवारी ने बताया कि मंगलवार की रात 10:30 बजे छोटेलाल गुप्ता उर्फ का 35 वर्ष निवासी मऊगंज का रात के समय विकास गुप्ता और प्रिंस गुप्ता के विवाद हुआ था। तब विकास गुप्ता और प्रिंस गुप्ता ने पोका के सिर पर लाठी और डंडों से प्रहार कर दिया था। वारदात के बाद युवक घायल हो गया। नाजुक हालत देख परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां बुधवार की सुबह 9 बजे युवक ने दम तोड़ दिया। 2 घंटे तक चला बवाल। पुलिस के मुताबिक हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने व मेडिकल कॉलेज में PM कराने की मांग को लेकर गुप्ता समाज के लोग भारी संख्या में एकत्र हुए। विरोध स्वरूप मृतक के परिजन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक थाने में डटे रहे। काफी समझाइश के बाद परिजन मान गए। ऐसे में लाश को PM के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया था। वहीं हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बने रहें तो खबरदार न्यूज के साथ।